हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये मेरे पास इप्सन का प्रिंटर है, 3210 मॉडल है और इसमें ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि इसका जो इंक पैड वाला जो सिस्टम है यहाँ पे ये फुल हो चुका है और जिसकी वजह से प्रिंटर ऑन करते ही हमारी ये तीनों लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगती है और ये हमारे पास इस प्रकार का एरर आने लगता है। तो अगर आपके प्रिंटर में भी इसी प्रकार का एरर आ रहा है और इप्सन का कोई भी आपके पास कलर प्रिंटर है, मैं यहाँ पे मॉडल नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर इस प्रकार के आपके पास कोई भी प्रिंटर्स है, आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, अगर इस तरह के आपके पास कोई भी प्रिंटर है और इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। वीडियो आपको फुल यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिलने वाला है और इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, जो पेड सॉफ्टवेयर होता है, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है और इसका कुछ कॉस्ट होने वाला है जो कि एक मिनिमम रेट होगा, वो आप सभी के लिए स्पेशली ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे पास हर प्रकार के जितने भी ये सारे मॉडल्स हैं और भी जो मॉडल्स हैं उसका जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास अवेलेबल है। वो मुझे आप कमेंट में फ़ोन करके या फिर मैं आपको नंबर मेरा शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे उसको ये पेड करके आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पे मैं आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो अगर ये आपके प्रिंटर में भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सॉफ्टवेयर है उसको ले लेना है। सॉफ्टवेयर लेने के बाद उसको आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा यहाँ पे हम लोग प्रोसेस बताते हैं। सो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं और सॉफ्टवेयर जो है कि आपको सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपको और भी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए और हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं। तो हमको ये 3210 वाला यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चाहिए और इसको हम लोग ने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और ये पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट किया फाइल को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो एंटीवायरस है और विंडोज़ का जो डिफेंडर वाला सिस्टम है, ये वाला, ये प्रोडक्शन वाला, ये जाके आपको रियल टाइम प्रोडक्शन जो यहाँ पे आपको मिलता है इसको आपको ध्यान से गाइज यहाँ पे ये जो वायरस एंड थ्रेड प्रोडक्शन सेटिंग है इसको आपको थोड़े समय के लिए आपको रियल टाइम जो प्रोडक्शन है इसको ऑफ कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो ये विंडो है उसको एज ए वायरस समझ के यहाँ पे वो डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो आपको इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है और इसके थ्रू आपका सिस्टम में कोई भी वायरस नहीं जाएगा क्योंकि ये एज अ वायरस डिटेक्ट करता है बट ये वायरस है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, फाइल को लेना है। फाइल को लेने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। तो एक्सट्रैक्ट फाइल आप जैसे यहाँ पे देखिए ये करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके हम लोग यहाँ पे इसको आपको देने वाले हैं। और अगर आपको पासवर्ड नहीं चाहिए तो पासवर्ड अनलॉक करके भी आपको मिल जाएगा, कमेंट करिएगा आप। सो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और आने के बाद सबसे पहले आपको ये एडी जो भी ये प्रोग्राम वाला जो फाइल है इसको आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला पासवर्ड आपको यूज़ करना है, सभी में यूज़ नहीं करना है, किसी किसी को ये पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप इस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पासवर्ड डालने के बाद अभी अपना जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो इसको मॉडल नंबर आपको यहाँ पे जो है कि सिलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज वगैरह भी आप यहाँ पे जो पोर्ट वगैरह है यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं बहुत। अब ये जो है कि पूरा सॉफ्टवेयर है तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो प्रिंटर है वो और भी ज़्यादा दिक्कत में यहाँ पे आ सकता है। तो इसको वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट में जाने के बाद आपका जो प्रिंटर का यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1210 3210 3250 3251
51 32 60 52 90 तो जो भी है यहाँ पे और भी सारे अपने पास मॉडल्स हैं, ये स्पेसिफिक ये थोड़े 4-5-6 मॉडल्स के लिए हैं, और भी अपने पास सॉफ्टवेयर हैं तो उसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। तो इसमें आपका जो प्रिंटर है उसको आप ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ऑटो सिलेक्ट नहीं करना है तो आपका जो प्रिंटर है उसको आप यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो आपका मॉडल है, अप डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो आपका मॉडल है, प्रिंटर अगर आपका यूएसबी के थ्रू आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट है तो आपको यहाँ पे शो करेगा, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद गाइज आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है अब यहाँ पे ओपन होगा, तो ये देख सकते हैं शायद प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, तो हमने ये बता दिया ऑटो सिलेक्ट वगैरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट मिला के ये सब सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपको जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आना है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड में, और ये आने के बाद आपको जैसे ये ओपन होगा तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे प्रिंटर हमें सिलेक्ट, ये मॉडल वगैरह हमको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ये देखिए मॉडल हमने सिलेक्ट कर लिया। मॉडल सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस है। तो आप सिर्फ जो मैंने जो एरर्स के बारे में जो बताया है आपको उसी पे ध्यान देना है, ना कि ये सब सारी चीज़ों को, आपको कुछ नहीं ये करना है, नहीं तो आपका जो प्रिंटर है वो और भी ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट की तरफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ये ऑप्शन है वेस्ट इंक पैड काउंटर, तो इस पर आपको जाना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ये मेन और ये प्लेटिन और ये इंक सिस्टम, ये तीनों पे क्लिक करके इसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है गाइस, चेक कर लेना है। अगर चेक के दौरान या चेक करने के बीच में कोई भी एरर आता है गाइस, तो प्रिंटर को आपको रीस्टार्ट कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको हैरान होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट प्रिंटर को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर से आपको ये जो तीनों ऑप्शंस पे क्लिक करके और फिर इसमें चेक पे क्लिक कर देना है। गाइस जैसे ही आप चेक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे केस में अभी प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड है नहीं, तो जैसे कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और फिर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे तो चेक करने के बाद सब नंबर यहाँ पे आने के बाद पॉइंट्स, उसके बाद आप फिर से यहाँ पे तीनों को टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टालाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंस्टालाइज वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक मैसेज आएगा, प्लीज टर्न ऑफ प्रिंटर, या फिर टर्न ऑफ प्रिंटर, या फिर जो भी एक आएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रिंटर टर्न ऑफ करने के लिए बोलेगा। प्रिंटर को आपको टर्न ऑफ करना है, सॉफ्टवेयर को, ये सारे सॉफ्टवेयर को, उसके बाद आपको कैंसिल करना है जो भी है, ओके करके यहाँ पे इसको पूरा इसको क्लोज कर देना है। सॉफ्टवेयर क्लोज करने के बाद आपका जो प्रिंटर है उसको ऑन करना है, और प्रिंटर आपका 101% आपका वर्क करने वाला है अगर इस प्रकार का आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे रिपेयर होती हैं, और इसका जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, छोटे मोटे इश्यूज हैं, उसका मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा।